सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सस्ते दामों पर किताबें आदि देने का दावा करने वाली राजपुरा की पेरेंट्स बुक डिपो पर आज राजपुरा की सिटी पुलिस द्वारा जलंधर के परमवीर पब्लिकेशन द्वारा शिकायत करने के बाद अचानक छापेमारी कर पेरेंट्स बुक डिपो के नई अनाज मंडी पटियाला रोड पर बने किताबों के गोदाम में से परमवीर पब्लिकेशन की बड़ी मात्रा में नकली किताबों को बरामद कर तीन व्यक्ति जिनमें गुरप्रीत सिंह धमोली, मुनीश बत्रा व इंद्रमीत सिंह मनी के खिलाफ धारा 420 सहित अन्य कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मौके से इंद्रमीत सिंह उर्फ मनी को पुलिस द्वारा काबू कर लिया गया है। बाकी के दो व्यक्ति अभी पुलिस की पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं। क्या है सारा मामला आपको बताने की कोशिश करते हैं। मौके पर मौजूद शिकायतकर्ता परमवीर पब्लिकेशन के मालिक परमवीर आनंद ने न्यूज 89 को जानकारी देते हुए बताया कि हमारी किताबें मार्केट में नई उड़ान के नाम पर जिसको छापने से लेकर बेचने का अधिकार सिर्फ हमारे पास है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले हमें सूचना मिली थी कि राजपुरा में पेरेंट्स बुक डिपो हमारी किताबों को फोटोस्टेट करके जाली तरीके से बिना हमारी आज्ञा के मार्केट में बेचकर हमें लाखों रुपए का चूना लगा रहा है। इसलिए आज हमने राजपुरा सिटी पुलिस को शिकायत देकर पेरेंट्स बुक डिपो पर छापेमारी करवाई और वहां से हमारी कंपनी की जाली किताबें बड़ी मात्रा में बरामद हुई। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहते हैं पब्लिशर परमवीर आनंद। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम परमवीर है। सर कहां से आए हैं आप? जी मैं जलंधर से हूं और हमारी परमवीर पब्लिकेशंस के नाम से फर्म है। क्या बात होगी सर? सर ऐसा है, हमारा पब्लिकेशन हाउस है, हमारी किताब आती है नवी उड़ान के नाम से। ये पंजाबी की किताब है, 0 से लेकर 8 तक ये सीरीज आती है जो प्राइवेट स्कूल्स अपनी क्लास में स्कूलों में पंजाबी के सब्जेक्ट के लिए अपने क्लासेस बच्चों के लिए 0 से लेकर UKG से लेकर 8 तक अपने अकॉर्डिंगली लगाते हैं। ये सर हमारी कॉपीराइटेड किताब है, तो जो हमारे ऑथर ने हमें राइट्स दिए हैं इसको बेचने के लिए हम ये किताबें बेचते हैं। और 2 दिन पहले हमें खबर मिली थी यहाँ पर कोई पेरेंट्स बुक डिपो के नाम से दुकान है, वो हमारी किताबों को फोटोस्टेट करके जाली तरीके से छाप के विदाउट हमारी परमिशन के बेच रहे हैं पेरेंट्स को अपने मुनाफे के लिए और हमें नुकसान कर रहे हैं, तो इसीलिए आज हमने आए हैं। सर दिखाएंगे कैसे किताब कैसे है, मतलब सर ये देखिए ये जैसे हमारी ओरिजिनल किताब है, ये सारी कलर्ड किताब है, आप देखेंगे इसमें सारे कुछ कलर्ड है, बच्चों के लिए हमने इसमें डिजिटल कंटेंट वगैरह सारा रेडी किया और ये इन्होंने ऐसे ही डुप्लीकेट इसकी बना दी है। ये दिखाएंगे अंदर से? हाँ ये देखिए इसका इन्होंने टाइटल कवर, इसको पहले तो कोई बाइंडिंग करा दी फिर इसके ऊपर टाइटल कलर लगाकर अंदर से ब्लैक एंड व्हाइट भेज रहे और पैसे उतने ही चार्ज कर रहे हैं या उससे 10-20 रुपए कम चार्ज कर। तो सर आपने कार्रवाई कैसे करवाई है? हमने यहाँ पर दरख्वास्त दी है सिटी थाना में आकर, तो उनके साथ हम रेड करने गए थे तो इनके गोडाउन में और शॉप में हमें ये जो किताबें मिली हैं और भी किताबें मिली हैं हमारी किताबें जो ये नकली बेच रहे थे पेरेंट्स को। ये होल पब्लिकेशन की है? ये हमारी पब्लिकेशन की है, बाकी पर हमने अंदर देखा है ये इवन और भी पब्लिकेशन की नकली किताबें फोटो शूट करके बेच रहे हैं। तो सर ये आप क्या पुलिस से क्या मांग करते हैं? हम पुलिस से यही मांग कर रहे हैं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो हमारा नुकसान हुआ है, जो हमारा फाइनेंशियली नुकसान हुआ है, जो इन्होंने हमारी किताब को सारा ऐसे गलत तरीके से बेचकर हमें नुकसान दिया उसकी। सर आपको पता लगा भी कौन शख्स है जो ये काम कर रहा था? सर हमें जैसे पता है, थोड़ा सा सूत्रों से पता लगा है कि इसमें कोई गुरप्रीत धमोली जी है, तो एक मनीष बत्रा है और एक इनके तीसरे साथी हैं जिनको मनी कहते हैं, वैसे उनका नाम इंद्रमीत सिंह है। कोई पुलिस द्वारा पकड़ा भी गया मौके पे? अभी इन्होंने वहाँ पर अभी एक इंद्रमीत सिंह जी को पकड़ा है और बाकी जो 2 थे वहाँ से फरार हो गए, पुलिस को देखकर फरार हो गए। अच्छा सर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जब हमने इस मामले में सिटी थाना में तैनात एडिशनल SHO सरदार कन्वर पाल सिंह जी से बात की तो उन्होंने हमें क्या जानकारी दी, आप भी सुनिए। पब्लिकेशन रहेगा जनता पब्लिक, शिकायत की सारे को आगे करते हुए जो है एक पेरेंट्स बुक डिपो वाले जो है जिन्हें एक किताब हैगी। हाँ जी हाँ जी, वो जो है फोटोशूट कापियां करा के जो है उन्होंने दस के बेच रही है, लोगों को सही पैसे देना ठगी मार, तो इन्हों के जोड़े है अपने व्यापार जो घर आ रही हैं इन्हों के खिलाफ इन्हें फट के कमी कर रहे हैं। ठीक है जी, यदि इतलाह के जोड़े है इन्होंने जो है ग्राउंड चेक किया। सर कि जगह जी? ग्राउंड जो है अनाज मंडी। अच्छा जी,
ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਰਕੇ ਸਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਆਪਣਾ ਮਨੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਚਾਹ ਸੁਵਿਧਾ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਨਾ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮਨੀਸ਼ ਬੱਤਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ आपको सुनाते हैं उन लोगों का क्या कहना था जो पेरेंट्स बुक डिपो पर उस समय मौजूद थे जब पुलिस द्वारा उक्त जगह पर छापेमारी की जा रही थी। हैगी है उन्होंने ये चीजें हाजम नहीं आ रही भाजी जे किसी का 1200-1500 का फायदा हो रहा सैट पिछे अजकल महंगाई का जवाना बंदा जावे किथे आला उत्थे ही जाऊगा ठीक है अभी तो चार साल लड़ाई लड़ रहे हैं पेरेंट्स की सानू की है असी काम बंद कर देने हैं असी डिस्काउंट से लिया रहे हैं तो ना नो लॉस नो प्रॉफिट ता ही रखा जिस तरह लिया रहे उस तरह ही बेच रहे हैं हूँ जी ये कोई कमी सी किताबों की सानू पब्लिशर दे नहीं रहे कि दूजे बंदे रोक रहे हैं जिहड़े दुकानदार पुराने ने असी क्या चलो तुहानू फोटो जिहड़ा करके दे देने भाजी काम चला लो जो दूजिया देंगे पब्लिशर असी तुहानू दूजिया दे देंगे अज रेड नूं अज तुहाडे सामने है इहदी जवाब तां हुण राजपुर जिहड़ी सिरां तों लुट्ट हो रही सी उस नूं बंद करवाउण वास्ते असी पेरेंट बुक डिपो खोलिया सीगा जी पेरेंट दे सहयोग दे नाल सारे पेरेंट्स काम करदे आ इत्थे कोई बंदा तनखाह दे उत्ते काम नहीं करदा हैगा सारे बंदे सेवा कर रहे सीगे इस तरह लोग मंदिरां दे विच गुरद्वारां दे विच सेवा करदे आ लोग आ के इत्थे किताबां दी सेवा कर रहे सीगे पर अज चूंकि साडे इस काम करन दे नाल जिहड़े पुराने दुकानदार सीगे उहनां नूं बहुत वड्डी सट वज्जी उहनां दी मलो पनीर टुट्टी जिहड़ियां किताबां उह अपने मनमर्जी दे रेटां नाल वेचदे सीगे उन्हां किताबां दे विच असी 20% तो 40% तक की मापियां नूं डिस्काउंट दित्ती मापे बड़े खुश सीगे सारे लोग हजारां लोग रोज़ आके किताबां लेके जा रहे सीगे पर इसे गल तो वह पुराने लोग जिन्हां ने ये धंधे दे विच लखां रुपया कमाया अरबां रुपया कमाया वो लोगों नूं गल हजम नहीं हुई तो उन्हां लोगों ने मिलकर पुलिस प्रशासन के नाल साडे उत्ते अज आके रेड की हैगी दुकान के उत्ते साडे नूं नजायज़ तंग करन दा सानू कोशिश की जा रही हैगी। अब आपको सुनाते हैं पेरेंट्स बुक डिपो के मालिक व इस मामले में पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए गुरप्रीत सिंह धमोली फोन पर इस मामले के बारे में हमें क्या कह रहे हैं सुनते हैं धमोली की जुबानी। गुरप्रीत जी मैं न्यूज 89 तो संदीप चौधरी बोल रहा जी ये जेड़ा तुहाडा पेरेंट्स बुक एसोसिएशन तुसी खोली है जी अज उत्थे पुलिस ने रेड की उत्थे फोटो स्टेट कापियां जिहड़ियां हैगियां बुक्स मिलियां हैगियां फोटो स्टेट कापी किसी पब्लिशर ने रेड करवाई है ते तुहाडी किताबां भी फड़ी गई है ते तुहाडा एक बंदा भी उन्होंने फड़ के किया है ते उत्थे आम आदमी पार्टी के बंदे भी खड़े हैं ते तुसी मैनूं इस चीज़ का वर्शन दिओ भी तुसी ये फोटो स्टेट क्यों किया। हां जी जिहड़ी सानूं फोटो स्टेट असीं कोई शौक नाल कीती हां जी और मजबूरी विच कीती है और सारे पेरेंट्स नूं इस तरह गल दा पता है पब्लिशर ने बार बार मेला करने के बावजूद सानू मन की माल नहीं मुहैया करवाया स्टार्ट हो गया पढ़ाई स्टार्ट होगी पब्लिशर ने माल नहीं दे रहा ना फोन चाहिए कोई स्टॉक खत्म है मतलब जेड़ा उत्थे पुलिस भी कह रही है ते पब्लिशर भी कह रहे हैं फोटो स्टेट नहीं कर सकते कॉपी राइट किताब छाप के देगा अभी किताब वापस ले लागे पब्लिशर की किताब दे देंगे जब तक पब्लिशर की किताब नहीं आती उदो तक तुम वरतो पब्लिशर की किताब आने पब्लिशर की किताब दे दी जाएगी वापस ले ली जाएगी और जो धक्का है वो अभी करा कार्रवाई नूं तुसी किस तरह देखदे हो धक्का जी पेरेंट्स नाल धक्का एक पासे दा कहने नाल मोनोपोली हो रही है एड्डी वड्डी मोनोपोली टुटी अज तां मतलब कि इन्हां नूं इह चिंता पै गई अब इस मामले में न्यूज 89 के सूत्रों ने जो अहम जानकारी हमें अभी दी है उसमें बताया जा रहा है कि इन किताबों को फोटोस्टेट करने वाला जिसकी दुकान पटेल कॉलेज रोड पर बताई जा रही है पुलिस उसे भी इस मामले में आरोपी बनाकर जल्द उसे गिरफ्तार करने की तैयारी में है क्योंकि परमवीर पब्लिकेशन द्वारा पुलिस को कुछ वीडियो दी गई है जो आप इस समय इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैसे फोटोस्टेट की दुकान में इन किताबों को जाली तरीके से छापा जा रहा है जिसके पुलिस के पास पुख्ता सबूत भी बताए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी न्यूज 89।
सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।